Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Career Power Lucknow. My name is Gaurav, Faculty of Maths. और ये आज हमारा दूसरा सेशन है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज़ करेंगे, जिसमें हमें आज पढ़ना है कि मिनिमम टेक्निक का यूज़ कैसे करते हैं। तो आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, ए और बी के पास कुल 12,000 रुपए हैं। ए एंड बी हैव अ टोटल ऑफ रुपीज़ 12,000। ए और बी क्रमशः 12% और 20% खर्च करते हैं जितना भी उनके पास पैसा है ऑफ दियर मनी। ए का शेयर ज्ञात करना है आपको जब दोनों मिलकर 15% खर्च करते हैं। अब देखिए सवाल का अप्रोच हमारे पास क्या रहेगा, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको इक्वेशन का कम से कम यूज़ करना है। नाउ अभी बताइए कि हमारे पास दोनों मिलकर जो है 15% खर्च करते हैं, तो 15% अगर हम लोग 12,000 का निकालें, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 12,000 रुपये हैं, तो 15% ऑफ 12,000 बनेगा 1,800 रुपये। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इंडिविजुअल शेयर लिखूँ ए और बी का, तो ए का जो खर्चा होता है वो 12% खर्च करता है ए, और बी करता है 20%। तो ए खर्च करता है 12% और बी खर्च करता है 20%, कभी भी ये परसेंटेज बराबर नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे कि आपने मिनिमम वाला वैल्यू लिख लिया और दूसरे वाले वैल्यू को, दूसरे वाले बी को आपने कहा कि ये भी खर्च जो करता है 12% करता है, इसका मतलब आपने अभी 8% इसका यूज़ नहीं किया हुआ है। अगर ए भी खर्च करे 12% और बी भी खर्च करे 12%, तो दोनों मिलके खर्च कितना करेंगे, 12% कितने का, 12,000 रुपये का। अगर 12% 12,000 रुपये खर्च होता है तो ये कितने के बराबर बनेगा, 1440 रुपये के बराबर। डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ में अंतर आ रहा है। ये अंतर आ क्यों रहा है, ये अंतर आ रहा है 360 रुपये का, और ये अंतर आ रहा है इसलिए क्योंकि हमने अभी बी का जो है 8% इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। 8% बी का जो रहेगा वही आपके पास 360 रुपये के बराबर आएगा। तो आप ये बताइए 8% अगर हम लोग यूज़ करते हैं बी का, तो ये 360 रुपये के बराबर है। तो B का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 360 को अगर 8 से भाग देंगे तो 45 जाएगा। B का मान आ गया हमारे पास 4500 रुपये। अगर B का मान 4500 रुपये आ गया, तो A का मान जो आएगा, जो हमें निकालना है, वो 12,000 में से अगर हम लोग 4500 रुपये माइनस कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 7500 रुपये के, जो कि हमारा आंसर बन गया। तो आपने देखा कि मैंने कोई क्वेश्चन यूज़ नहीं किया, बस हमने मिनिमम टेक्निक का यूज़ किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।